तो वेलकम गाइज, आज की वीडियो में कुछ आप लोगों को इस तरह का एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ कि ये बैकग्राउंड ब्लर कैसे लगाएं, बैकग्राउंड चेंज कैसे करें, क्लोथ अपना कपड़ा चेंज कैसे करें। एंड इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सिंपली गाइज, आप लोगों को अपना फ़ोटो ले लेना है, जिस भी फ़ोटो को आप लोगों को एडिट करना है। तो मुझे ये वाला एडिट करना है, तो इसे हम लोग शेयर करेंगे अपने स्नैपशीट में। तो सिंपली आप लोगों को स्नैपशीट में इसे ओपन करना है, उसके बाद टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके डर्मा वाले पे क्लिक कर लेना है। डर्मा वाले पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ब्राइट वन वाले पे क्लिक करके इसे थोड़ा ब्राइट कम कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पर इसको 61 रख लेंगे, आप सही कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तीर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तीर के ऑप्शन पर करने के बाद उसके बाद एडिट पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद डर्मा पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को ब्रश कर लेना है अपने हाथ और फेस को। तो आप लोगों को जूम करके बिल्कुल ही ऐसे ऐसे एडिट कर लेना है इसको। तो चलो हम लोग थोड़ा यहाँ पर वीडियो फास्ट कर लेते हैं। तो गाइज, ये फ़ोटो हमारा हो चुका है। तो आप लोगों को ऐसे करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सही का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग अपना फ़ोटो देख सकते हैं, पहले का कुछ कैसा था, अब कैसा हो चुका है। तो हम लोग ऐसा कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है क्लोथ उसे चेंज करेंगे। तो आप लोग सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद डबल का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक कर लेना है डबल वाले पे। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे गैलरी पे ऑप्शन पे चला जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये रेड वाले का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सही का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब ये हो जाने के बाद आप लोग डरना मत बिल्कुल ही, आपका फ़ोटो बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। अब क्या करना है, आप लोगों को सिंपली तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को व्यू एडिट्स पर क्लिक कर लेना है। व्यू एडिट्स पर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डबल वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके यहाँ पर ये कर लेना है, ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके। अब आप लोगों को अपनी जो क्लोथ है शर्ट का, वहाँ पे बस ब्रश करना है। आप लोगों को बिल्कुल ही जूम कर लेना है, ऐसे जूम करने के बाद आप लोगों को ऐसे ऐसे ब्रश कर लेना है। अगर आप लोगों का ब्रश ऐसे बाहर चला जाता है तो बिल्कुल भी घबराए ना। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसका कम करके ओपेसिटी, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना यहाँ से जल्दी जल्दी फ़ोटो बना लेते हैं। तो गाइज, आप लोगों को कुछ इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सही का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग क्लिक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं आपका फ़ोटो कैसा था पहले, तो यहाँ से बैक आ जाना है। अब आप लोग देख सकते हैं पहले का फ़ोटो कुछ ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। तो फिर से आप लोगों को टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एल्बम में आने के बाद यहाँ पे अपना जो है बैकग्राउंड ले लेना। तो मैं उस बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं अपना। तो यहाँ पे लेने के बाद आप लोगों को इसका साइज कुछ इस तरह बैठा लेना है। लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से इसको पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डबल वाले पे क्लिक करने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ जा अपने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ब्रश करना है। तो सिंपली हम लोग कर लेते हैं बैकग्राउंड पे ब्रश। तो चलो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका जो है इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रश करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ से अपना वीडियो फास्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैं फास्ट कर लेता हूँ अपना वीडियो, तो आप लोग भी कर लीजिए जल्दी से। तो गाइस हमारा फ़ोटो कुछ अब ऐसा दिखने लगा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपका फ़ोटो कैसा था, अब कैसा हो चुका है। तो बिल्कुल ही हम लोग यहाँ पे यहाँ कलर वलर और बैकग्राउंड सब चेंज कर चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर जो क्लॉथ का डार्क करेंगे उसको, तो यहाँ पर सिलेक्टिव आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आप लोग जो क्लॉथ है कपड़ा इस पर क्लिक कर लेंगे, ऐसे कुछ साइज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ब्राइटनेस इसका कुछ ऐसे बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद सिचुएशन को हल्का सा बढ़ा देते हैं, इसको भी हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पर जाएँगे सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाएँगे, फिर प्लस करने के बाद जहाँ आप लोगों का ब्लैक ब्लैक है वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद यहाँ पे कर लेते ऐसे कुछ, फिर बैठे इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, फिर इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा डार्क है यहाँ पर करेंगे क्लिक, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं साइज में, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब प्लस वाले आइकन क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे साइज कर लेते हैं इतना, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सॉरी प्लस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ लाते हैं इधर, अब इसको साइज इसके साइज को लेते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अपने पे आ गया। फिर प्लस वाला आइकन पर करके यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है तो यहाँ पर कर लेंगे। आप लोग भी अपने फ़ोटो पे कुछ ऐसे ही कर लेना, जहाँ जहाँ ब्लैक होगा वहाँ वहाँ आप कुछ कर लेंगे तो फ़ोटो नॉर्मली हो जाएगा। तो आप लोग करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं। अब आप लोग करना क्या है, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं फ़ोटो कहाँ कहीं कुछ डार्क दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बच गया। तो फिर टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, सिचुएशन सॉरी सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर प्लस करके आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है जहाँ आपका डार्क होगा। फिर उसके बाद यहाँ ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना सही कर लेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फोटो आप लोगों कैसा था, कैसा हो चुका है ऐसा। फिर टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएँगे, और उसके बाद सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फेस का थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा ही लेंगे, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कुछ ऐसा हो गया है। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, डबल वाले ऑप्शन पर जाके प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, गैलरी पर जाना है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लिंक दे दूँगा इसका। तो आप लोग क्या जाना है, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग जाके कुछ ले सकते हैं। आप लोग इसको
यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे लाइट ही अच्छा लग रहा है, तो लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इसको कुछ इस तरह यहाँ पे ला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो इसको हाँ थोड़ा सा लगा लेंगे, इसको इस तरह कुछ बैठा देंगे। आप लोग भी अपने फोटो में कुछ इस तरह बैठा लेना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग फिर यहाँ पे ऑप्शन पर जाकर डबल वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर प्लस का आइकन करके गैलरी वाले ऑप्शन पर जाना है। इसका भी मैं बैकग्राउंड लिंक आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग जाके सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप लोग यहाँ पे करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इस वाले पे, और फिर लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप लोगों को इस तरह कुछ इसको सेट कर लेना है, इस तरह ये हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सही कर लेना है यहाँ से सही। तो गाइज आप लोगों को इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग पॉप वाले पे कर देना है। आप देख सकते हैं पॉप वाले करने के बाद आपका फ़ोटो कितना ब्राइटनेस आ जा रहा है, अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे सही कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसके सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर शेयर कर लेना है। तो शेयर करने के बाद चलो फ़ोटो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग फ़ोटो देख सकते हो अपना कितना अच्छा फ़ोटो बन चुका है। ये पहले का फ़ोटो है और ये इस समय का फ़ोटो है, आप लोग फ़ोटो देख सकते हो। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलती रहें।